आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर उपायुक्त ने दुर्ग निगम दफ्तरों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां लिपिक सहित 4 कर्मचारी अपनी जगह पर मिले अनुपस्थित। नगर निगम दफ्तर का आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर शुक्रवार को उपायुक्त मोहिंद्र साहू ने स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, जनसंपर्क अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, बाजार अधिकारी थान सिंह यादव, नारायण यादव एवं सत्यनारायण शर्मा के साथ निरीक्षण किया। गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेश पर जिले के सभी शासकीय कार्यालय और निगम कार्यालय में 3 फरवरी से कार्यालय का समय बदलकर सुबह 10 बजे से कर दिया गया है। इसे लेकर निगम के आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर उपायुक्त ने निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। दफ्तर निरीक्षण के दौरान लिपिक सहित देर से आने वाले कर्मचारियों को अंतिम समझाइश दी गई। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ शासन से अधिसूचना जारी होने के बाद से निगम का समय सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। निगम उपायुक्त मोहिंद्र साहू ने सुबह 10 बजे अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि देर से आने वाले कर्मचारियों की प्रतिवेदन आयुक्त को सौंपी जाएगी। इस दौरान नगर निगम के अभी विभागों में जाकर निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लिपिक सहित 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।